वेलकम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है। इस वीडियो में मैं आपको कायरोप्रैक्टिक के बारे में बताऊंगा कि और कायरोप्रैक्टिक किस तरह से आपको मदद करती है। तो चलिए चालू करते हैं परिचय। कायरोप्रैक्टिक हमारे वीडियो कायरोप्रैक्टिक वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप है जो मस्कुलोस्केलेटल विकारों के निदान और उपचार पर केंद्रित है, विशेष रूप करते हैं। इस वीडियो में हम कायरोप्रैक्टिक के इतिहास, ये कैसे काम करता है, कायरोप्रैक्टिक उपचार में उपयोग की जाने वाली हाल के लाभों और जोखिमों को पता लगाएंगे। कायरोप्रैक्टिक का इतिहास। कायरोप्रैक्टिक की स्थापना 1901 कैनेडाई डेनियल डेविड पामर ने की थी। पामर का मानना था कि रीढ़ में गलत संरेखण साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है और इन गलत संरेखण और मैनुअल किया जा सकता है। उन्होंने स्पाइनल एडजस्टमेंट नामक एक तकनीक को विकसित किया जिसका आज भी कायरोप्रैक्टर्स कायरोप्रैक्टिक कैसे काम करता है। कायरोप्रैक्टर्स का मानना है कि शरीर में खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। आयोजन इस उपचार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। स्पाइनल एडजस्टमेंट के दौरान संयुक्त पर एक नियंत्रित बल लागू करता है जो ठीक से नहीं चल रहा। यह बल संयुक्त करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है जिससे दर्द से राहत मिल सकती है और कार्य में सुधार। उपचार में उपयोग की जाने वाली तकनीकें। कायरोप्रैक्टर्स मस्कुलोस्केलेटल विकारों के इलाज के लिए कई तरीके, सबसे आम तकनीक स्पाइनल एडजस्टमेंट है। इसमें रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर त्वरित नियंत्रण बल लगाने में गतिशीलता शामिल है जिसमें संयुक्त की धीमी कोमल गति और नरम, इसमें प्रभावित क्षेत्र के आसपास के नरम उतरुकों को हेर फेर करना शामिल के लाभ। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर दर्द सहित विभिन्न प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल कायरोप्रैक्टिक देखभाल को प्रभावी दिखाया गया है। ये कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी स्थितियों के इलाज में भी मददगार हो सकता है। कायरोप्रैक्टिक देखभाल आमतौर पर सुरक्षित और गैर इन्वेसिव होती है और इसे सर्जरी या दवा जैसे अधिक आक्रामक उपचारों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कायरोप्रैक्टिक देखभाल के जोखिम। जब कायरोप्रैक्टिक देखभाल आमतौर पर सुरक्षित है, उपचार से जुड़े कुछ जोखिम हैं। सबसे आम जोखिम में उपचार के बाद दर्द या जकड़न शामिल है। दुर्लभ मामलों में स्ट्रोक या तंत्रिक क्षति जैसी अधिक गंभीर जटिलताएँ शामिल हैं। निष्कर्ष। कायरोप्रैक्टिक विकल्प चिकित्सा एक रूप है जो मस्कुलोस्केलेटल विकारों के निदान और उपचार पर केंद्रित है। ये मैनुअल हेयर फेयर के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में जोड़ों को फिर से अनलाइन करके काम करता है। विभिन्न स्थितियों के उपचार कायरोप्रैक्टिक देखभाल को प्रभावी दिखाया गया है और ये आमतौर पर सुरक्षित और गैर आक्रामक है। हालांकि किसी भी चिकित्सा उपचार की तरह कायरोप्रैक्टिक देखभाल से जुड़े कुछ जोखिम भी हैं। यदि आप कायरोप्रैक्टिक देखभाल पर विचार कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई सवाल छूट गया है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अगर आपकी किसी भी जानकारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है तो प्लीज़ हमें शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।